नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी डेली न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीबी बशिश। तो ये इनसे जानते हैं कि इस सेमिनार के जरिए इन्होंने क्या कुछ बताया और लोगों को क्या कुछ समझाया। जी सर। मैडम, मैंने फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी कि इन केस एक्सीडेंट हो गए, इन केस चोट लग गई तो कैसे रोगी को बचाएं। नंबर दो, लिफ्टिंग का पेशेंट, हमारे पास स्ट्रेचर नहीं, कोई इंतजाम नहीं है, तो फोर हैंड सीट के जरिए हम पेशेंट को एम्बुलेंस तक ले जा सकते हैं जिससे रोगी को दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है, इन केस हीट वेव, लू लग गई, चक्कर आ गए, तो क्या करेंगे? दवाई आपके पास है नहीं, पानी अवेलेबल है, चीनी इजीली मिल जाता है, नमक मिल जाता है, चीनी नमक पानी का घोल बनाएं और रोगी को पिलाएं, जिससे क्या होगा, जो लू लगी हुई है उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। तो सर, जो ये आपने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है यहाँ पे सेमिनार में, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ऐसे सेमिनार बेसिस रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? होने चाहिए 3 महीने के बाद, कम से कम हर कंपनी में 3 महीने के बाद जरूरी है। इनकेस एक्सीडेंट, इनकेस फायर, फायर के बारे में मैंने बताया कि आग लग गई, कोई आदमी जल गया, लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोई कोलगेट लगाते हैं, कोई रतन जूस लगाते हैं, कोई आलू लगाता है, कोई आटा गीला लगाता है, कोई तेल लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, ये चीज़ें नहीं लगानी। हमने सिल्वर एक्स या बर्नॉल, बर्नॉल को 70 ईयर हो गए इंडिया में, और सिल्वर एक्स भी विदेशी दवाई है, इसको लगाने से जला हुआ निशान भी मिट जाता है। ये सेफ मेडिसिन है, नो टॉक्सिसिटी, नो साइड इफेक्ट। तो सर, जैसे कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, वहाँ आपातकालीन स्थिति हो जाती है कि मतलब जैसे कोई हीट वेव आप बता रहे हैं और फायर का हो जाता है, तो उससे कैसे बचाव करना चाहिए कंपनी को जल्दी से? देखो, फायर के लिए क्या है, एक तो इनके जो डोर होते हैं, फायर एक्सटेंशन डोर हर जगह लगे होते हैं, उनका देखना चाहिए बार बार कि डोर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होते हैं, डोर ब्लॉक हो जाते हैं और आदमी दम घुटने से मर जाते हैं। हमने क्या करें कि उसकी गेटों की जांच करें। नंबर दो, फायर एक्सक्यूजर जो हमारे पास सिलेंडर्स है ABC, वो कंपनी में लगाएं। नंबर दो, मिट्टी का रेत जो होता है, जो जमनस है, वो मिट्टी भर के बाल्टियों में रखें, ताकि फायर होगी, आपके पास सिलेंडर नहीं है तो मिट्टी के जरिए आप आग को बुझा सकते हैं। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फायर, बिजली में आग लग गई, अगर आप पानी मारोगे तो बिजली आपको पकड़ लेगी। तो हमने क्या करना है, या तो ABC सिलेंडर जिसमें ड्राई पाउडर होता है, अगर वो भी नहीं है तो जो मिट्टी होती है जमना सेंट, उस मिट्टी के ऊपर डालोगे तो आग बुझ जाएगी, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और हमारे एम्प्लॉय बच जाएगा सेफ्टी पर्पज। तो सर, जैसे कि आप नेशनल अवार्ड विनर भी हैं, तो वो उसका आपका वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है, भारत सरकार ने मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, कमांडेशन अवार्ड मिला, एप्रिसिएशन मिला, स्पेशल एप्रिसिएशन मिला। मैंने कोर्ट में 4,000 आदमी को बचाया, उनके घर जा जा के दवाई दी, उनको राशन दिया, तो लोग कहते थे अरे भाई क्यों क्यों जा रहे हो, मर जाओगे, अरे मैं कोई बात नहीं, जीवन एक बार मिलता है, मानव सेवा से बड़ी सेवा नहीं कि मानव सेवा नहीं करोगे तो भला नहीं होगा। तो सर, जैसे कि आपने कई लोगों की जान बचाई, उनके घर जाकर आपने उनको प्रेरित किया कि कैसे बचाव किया जाए, तो उसमें आपका सफर कैसा रहा? जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी, बड़े दिल को शांति मिली, उनके मम्मी डैडी, उनकी घरवाली, उनकी लड़की, उनके लड़के उनके पास नहीं आए, अरे भैया कोविड हो गया मर जाओगे, मैं घर जा जा कर उनको दवाएँ दी, पैरासीटामोल दिया, उनको समझाया, उनको दवाइयाँ दी, उनको लिक्विड ला के दिया, जूस ला के दिए, फूडिंग ला के दी, चने जो भी चीज़ की जरूरत की चीज़ थी वो ला के दी अपने पैसे से, मैंने किसी से कोई फीस नहीं ली, और उनको कितना रिलैक्स मिला, मेरे को बड़ा पैसा देने लगे, मैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो सेवा करता हूँ, मुझे क्या लेना, मेरे को इसीलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, स्पेशल एप्रिसिएशन मिला, स्टार अवार्ड योगा में मिला जो बाबा रामदेव ने दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा, अब मैं 71 ईयर यंग मैन इन इंडिया, 71 साल का जवान हूँ, अभी सलाह 30 साल और करने की सलाह, फिर 100 साल तक जिए और सेवा करते। जैसे कि आप सभी ने देखा कि कैसे मानवता को आगे रखकर इन्होंने अपना काम किया और आज भी ये लोगों की सेवा में तत्पर हैं, तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।